हेलो दोस्तों, मैं हूँ निधि और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्यूटी, स्किन केयर और हेयर केयर की। विंटर्स के सीज़न में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए तो और भी प्रॉब्लम है। अगर वो फेस पे कुछ अप्लाई करे तो स्किन ऑयली हो जाती है, और अगर ना करे तो स्किन ड्राई हो जाती है। और ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेस को अच्छे से क्लीन रखना। और विंटर्स की वजह से हम बार बार फेस वॉश करने से भी डरते हैं। अरे, हर किसी को ठंडे पानी से डर लगता है ना। फेस को साफ ना रखने से हमारे स्किन पर ऑयल प्रोडक्शन और भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी स्किन और भी ऑयली हो जाती है और उसमें एक्ने, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ज़रूरी है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। इसके लिए हमें वीक में 2 से 3 बार अच्छे से स्क्रब करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप घर बैठे कैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 3 ऐसे स्क्रब बना सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके स्किन के पोर्स अंदर से क्लीन होंगे, ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, जिससे कि आपके स्किन में एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बन जाएगी। इन सारे स्क्रब्स को बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो से, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बनाते हैं अपना फर्स्ट स्क्रब। इसके लिए हमें चाहिए होगा ग्रीन टी। अब हम एक क्लीन बाउल लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून ग्रीन टी लेंगे, और हमें अब चाहिए होगा हनी। अब हम ग्रीन टी में 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे, और हमारा थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। अब हम इस मिक्सचर में 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा स्क्रब रेडी है। अब देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। हम इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से साफ चेहरे पर लगा लेंगे, और इसे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। ग्रीन टी में होती हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ग्रीन टी स्किन एजिंग को स्लो करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्किन में ऑयल के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे एक्ने और पिंपल में फ़ायदा मिलता है, और ये एक अच्छा एक्सफोलिएटर भी है। हनी हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, पोर्स को क्लीन करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, जिससे कि हमारी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है। लेमन स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड को रिमूव करता है। अब हम इस स्क्रब को 3 से 4 मिनट के लिए फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। अब बारी है हमारे सेकेंड स्क्रब की, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा। एक क्लीन बाउल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेंगे, फिर इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट या नमक ऐड करेंगे, फिर से एक गुड मिक्स देंगे, और फेस को अब इस मिक्सचर से फेस को स्क्रब करेंगे। आपको तो पता है सॉल्ट के फाइन पार्टिकल्स स्क्रब का अच्छे से काम करते हैं, इससे हमारे फेस पर डेड स्किन रिमूव होती है। और एलोवेरा के तो क्या कहने हैं, एलोवेरा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, जो कि हमारी स्किन को ऑयली नहीं बनाता और अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये एक्ने और पिंपल्स को भी ट्रीट करता है। एलोवेरा जेल में होता है विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, जो स्किन को फर्म बनाता है और हाइड्रेट करता है। ये एक अच्छा एंटी एजिंग एजेंट भी है। एलोवेरा हमारे चेहरे से मार्क्स के अपीयरेंसेस को कम करता है, और एलोवेरा सनबर्न को भी सही करता है। अब हम इस स्क्रब को 3 से 4 मिनट के लिए फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। पारी है हमारे थर्ड और लास्ट स्क्रब की। इसके लिए हम एक बाउल में 2 टीस्पून शुगर लेंगे। शुगर जेंटली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टमाटो। अब आधे कटे हुए टमाटर पर शुगर को हम अच्छे से लगाएंगे, और फिर टमाटर से जेंटली अपने फेस को सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। टोमेटो नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट है, ये हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है, ये हमारे स्किन से सनटैन को भी रिमूव करता है और डार्क स्पॉट को भी कम करता है। टोमेटो हमारे फेस के पोर्स को श्रिंक करता है, जिससे कि फेस पर ऑयल सिक्रेशन कम होता है और हमारा फेस ऑयली नहीं लगता है। टोमेटो हमारे स्किन को फ्रेशन अप करता है। टोमेटो और शुगर का स्क्रब हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है।
टमाटो और शुगर के स्क्रब को हम फेस पर अच्छे से 3-4 मिनट के लिए रब करेंगे और इसके बाद हम नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इनमें से किसी भी एक स्क्रब को वीक में 2 से 3 बार अपने फेस पर यूज़ करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। आपके फेस से एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।